हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज के वीडियो का रूट वर्ड है फिलिया। फिलिया का मतलब होता है लव या अट्रैक्शन। किसी भी वर्ड में यदि फिलिया या फिल शब्द अगर जुड़ा हुआ मिले तो समझ लेना कि वह लव मतलब प्यार या अट्रैक्शन का मतलब होता है लगाव से रिलेटेड है। देखिए, इससे पहले हमने फोबिया के कुछ वर्ड पढ़े थे, मेनिया के वर्ड पढ़े थे। फोबिया और मेनिया के हमने 50-50 वर्ड कंप्लीट किए थे। इसके बाद में हमने साइड वाले वर्ड कंप्लीट किए 50 वर्ड। तो आज का जो वीडियो है वो फिलिया से रिलेटेड है। तो जब भी किसी वर्ड के अंत में या शुरू में कहीं पर भी अगर फिलिया या फिल शब्द जुड़ा हुआ मिले तो समझ लेना कि वहां वर्ड लव या अट्रैक्शन से रिलेटेड है। ज्यादातर वर्ड हमने फोबिया, मेनिया और साइड वाले जितने भी वर्ड पढ़े हैं सब एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड है। आपने अगर फोबिया वाले वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको मेनिया वाले वर्ड को याद करने में कम मेहनत लगी होगी, और यदि आपने मेनिया वाले वर्ड भी कंप्लीट कर लिए हैं तो साइड वाले वर्ड याद करने में आपको और कम मेहनत लगेगी। मेनिया, फोबिया और साइड वाले वर्ड भी आपके कंप्लीट हैं तो फिलिया या फिल वाले वर्ड में आपको और कम मेहनत लगने वाली है, क्योंकि जितने भी ये साइड वाले वर्ड हैं ये सारे के सारे वर्ड किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से मैच खाते हैं, और इस सीरीज में हम न्यूमोनिक्स की सहायता से ये सारे के सारे वर्ड कंप्लीट करने वाले हैं। न्यूमोनिक्स एक स्मृति विज्ञान, एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम डिफिकल्ट या बड़े से बड़े वर्ड को इजी या सरल बना सकते हैं। हम उसी वर्ड के अंदर से कोई ना कोई ट्रिक ढूंढेंगे जिससे कि वह वर्ड हमारे दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाए। अभी तक इस सीरीज में हमने 28 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट किए, ऐसे वर्ड जो फिलो और फिलिया से रिलेटेड है। आज की सीरीज में हम 29 से 40 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करने वाले हैं, और ये सारे के सारे वर्ड हम न्यूमोनिक्स की सहायता से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, यहां पर 29 अमेक्सोफिलिया है ना, अमेक्सोफिलिया ये वाला वर्ड हमने फोबिया में पढ़ा है, अमेक्सोफोबिया, ठीक है। और इसी वर्ड को हम आज फिलिया में पढ़ने वाले हैं, अमेक्सोफिलिया। इसका मतलब होता है लव फॉर राइडिंग इन अ कार और वैगन, कार की सवारी करना या कोई चार पहिया वाहन है उसकी सवारी करना, उसकी सवारी करने से प्रेम या प्यार, उसको कह लेते हैं अमेक्सोफिलिया। इसी वर्ड को अमेक्सोफोबिया में पढ़ा था। फियर ऑफ राइडिंग इन ए कार और वैगन, मतलब कार की सवारी करने में डर लगना अमेक्सोफोबिया था, और कार की सवारी करना पसंद करना यह कहलाता है अमेक्सोफिलिया। याद कैसे रखना है इसको, इसकी हमने ट्रिक बताई थी। अमेक्सो इसका साउंड मेक्सिको से सारा, मेक्सिको है ना, मेक्सिको एक कंट्री है, ठीक है। और मेक्सिको जाने के लिए आपसे कहा जाए कि आप कार से मेक्सिको जाइए, है ना। तो अगर कार की सवारी करने से आपको डर लगे तो अमेक्सोफोबिया हो गया, है ना, वो क्या हो जाएगा अमेक्सोफोबिया, क्योंकि इतनी दूर जाने के लिए कार चलाना संभव नहीं है। और कोई कोई लोग होते हैं कि चलो मेक्सिको जाएंगे, कार से चले जाएंगे, बहुत मजा आएगा, है ना, तो काफी लंबी ड्राइविंग हम कर लेंगे, है ना, तो कुछ लोग इस चीज को पसंद भी करते हैं। तो इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि अगर मान लो आपको मेक्सिको जाना पड़े और आपको कोई कार दे देगी या कार से आप मेक्सिको जाइए तो आप उसको बहुत ज्यादा पसंद करोगे, क्योंकि आपको कार की राइडिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रखा जा सकता है, एम्बुलोफिलिया, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एम्बुलोफिलिया। एम्बुलो का मतलब एम्बुलेंस, जैसे लगाएंगे हम एम्बुलो का साउंड एम्बुलेंस जैसा है, एम्बुलेंस, है ना। एम्बुलेंस का काम क्या होता है, मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने का काम एम्बुलेंस करती है। तो पहले तो समझ लेते हैं, एम्बुलोफिलिया का मतलब होता है लव फॉर वाहन, से प्रेम करता हो उसको बोलते हैं लव फॉर वाहन। इसी वर्ड को हमने फोबिया में पढ़ा था, एम्बुलोफोबिया, जिसको चलने से डर लगे, फियर ऑफ वॉकिंग, जिसको चलने से डर लगे उसको एम्बुलोफोबिया कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एम्बुलोफिलिया, जिसको चलना पसंद हो उसको बोलते हैं एम्बुलोफिलिया। याद कैसे करना, एम्बुलेंस। अब देखिए, अगर आपसे कहे कि ये एम्बुलेंस खड़ी है जो आपको अस्पताल तक पहुंचाएगी, है ना, तो आप क्या करोगे, उस एम्बुलेंस तक जाने में आपको अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा, क्योंकि आप बीमार हो, और बीमार हो तो आपको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, तो आपको खुशी हो रही है कि चलो कम से कम अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए पहुंचाया तो जा रहा है। तो आप क्या है, घर से निकलोगे, एम्बुलेंस तक बैठने में आपको चलकर जाना पड़ेगा, तो इस टाइप से आप उस चीज को काफी पसंद करोगे, है ना। और फोबिया में क्या था, आपको डर लगता था एम्बुलेंस में जाने के लिए, क्यों, क्योंकि आपको डर लगा था क्या करूं जो अस्पताल में
मेरा भाई ऑपरेशन तो नहीं करते, या आपको बीमारी से डर लगे, इंजेक्शन से डर लगे, इस टाइप से आप एम्बुलेंस पे जाने से डरते थे, तो वो फियर ऑफ वॉकिंग कहलाता था, उसको बोलते हैं एम्बुलोफोबिया। और ये यहाँ पर है एम्बुलोफिलिया, मतलब इसमें आपको एम्बुलेंस से मतलब आपको चलने में मजा आ रहा है, ठीक है, आप चलने से फ्रेम कर रहे हो, तो ये हो गया एम्बुलोफिलिया। इस टाइप से इस वर्ड को याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है एंड्रोफिलिया, एंड्रो और फिलिया। तो एंड्रो से हमने मेन के बारे में बात की थी, एंड्रो का मतलब आदमी, जब भी एंड्रो लिखा हो किसी वर्ड में तो समझ लेना उसमें आदमी की बात हो रही है। मेन एंड्रोफोबिया का वो है ना, जिसको आदमी से डर लगे वो एंड्रोफोबिया, लेकिन जिसको आदमी से प्रेम हो वो होता है एंड्रोफिलिया, लव फॉर मेन, है ना, लव फॉर मेन, जिसको आदमी मतलब मेन से ज्यादा मान लो अट्रैक्शन हो, लव हो, तो उसको बोलते हैं एंड्रोफिलिया। नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोपोफिलिया, एंथ्रोपोफिलिया का मतलब लव फॉर पीपल और सोसाइटी, जो लोग हैं, जो समाज समाज है उसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, वो कहलाता है एंथ्रोपोफिलिया। याद कैसे रखना, मैंने आपको फोबिया वाले वर्ड में पढ़ा था एंथ्रोफोबिया, अगर लोगों से आपको डर लगे फियर ऑफ पीपल तो होता है एंथ्रोफोबिया, लेकिन यहाँ पर एंथ्रोपोफिलिया है, यहाँ पर एंथ्रो लिखा हुआ है तो समझ लेना कि वहां लोगों की बात हो रही है, किनकी बात हो रही है, लोग की बात हो रही है, पीपल की बात हो रही है। तो इस टाइप से वर्ड को याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है अर्चनोफिलिया, अर्चनोफिलिया का मतलब होता है लव फॉर स्पाइडर्स, स्पाइडर्स में होते हैं मकड़ी, अगर आपको मकड़ी से प्यार हो तो वो कहलाता है अर्चनोफिलिया, है ना, लव फॉर स्पाइडर। इसी वर्ड को हमने फोबिया में पढ़ा था अर्चनोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर्स, मकड़ी से डर लगना अर्चनोफोबिया था, लेकिन यहाँ पर क्या है अर्चनोफिलिया है, मतलब फिलिया जुड़ा हुआ, तो फिलिया मतलब लव और अट्रैक्शन की बात होती है। अर्चनो इसका हमने एग्जाम्पल बताया था, अर्चना नाम की एक लड़की है, अर्चना है ना, आपको ठीक याद आ रही होगी, अर्चना नाम की एक लड़की है जो स्पाइडर से बहुत डरती है, तो वो कहलाता है अर्चनोफोबिया, लेकिन अर्चना नाम की एक लड़की है जो स्पाइडर से मकड़ी से बहुत प्यार करती है तो वो कहलाता है अर्चनोफिलिया, ठीक है, तो अर्चनों से हम अर्चना लगा लेंगे और फिलिया से हम लव या अट्रैक्शन लगा लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ऑडियोफिलिया, ऑडियो का मतलब होता है जो सुनाई देता है, केवल ऑडियो साउंड देता है ना, ऑडियो वीडियो, वीडियो मतलब जो दिखाई देता है, ऑडियो मतलब जो सुनाई देता है, और फिलिया का मतलब तो आप जानते हो लव या अट्रैक्शन, लव का लोड साउंड, जो लोड साउंड तेज ध्वनि से प्यार करता हो उसको बोलते हैं ऑडियोफिलिया। तो इसको याद रखने के लिए आपको ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, ऑडियो से आप जानते हो, ऑडियो का मतलब साउंड होता है जो सुनाई देता है ना, आपने मोबाइल फोन में भी आपने ये फंक्शन देखा होगा ऑडियो वीडियो वाला, उन वगैरह का टीवी का उस पर भी लिखा रहता है ऑडियो, है ना, तो ऑडियो का मतलब होता है साउंड जो केवल सुनाई देता है, तो ऑडियोफिलिया का मतलब होता है लव फॉर लोड साउंड, जो तेज ध्वनि तेज आवाज से प्यार करता हो उसको ऑडियोफिलिया बोलते हैं। आपने देखा होगा लोग बहुत तेज तेज ध्वनि में गाना सुनते हैं, है ना, टेप है ना, या डीजे वगैरह चलाते तेज ध्वनि में, तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो वो कहलाता है ऑडियोफिलिया। अच्छा, इसको अगर मान लो फिलिया के स्थान पर फोबिया लिखते हैं ऑडियोफोबिया, मतलब जिसको तेज ध्वनि से डर लगता है वो होता है ऑडियो। नेक्स्ट वर्ड है ओरोफिलिया, ओरोफिलिया का मतलब लव फॉर गोल्ड, जो गोल्ड मतलब सोने से प्यार करता हो, जो सोना होता है मेटल होती है गोल्ड, है ना, जो काफी महंगी होती है सभी जानते हैं इसको, ओरोफिलिया, ओरोफिलिया का मतलब होता है लव फॉर गोल्ड। अब ओरो से लगाएंगे, आपने लोगों को देखा होगा गोल्ड बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ना, घर में भले खाने का दाना नहीं हो लेकिन गले में चेन होना चाहिए सोने की, है ना, तो इस टाइप से ओरोफिलिया, तो ओरो को आपने देखा होगा, है ना, ओरो से लगा लेंगे लोग, है ना, ओरो को आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं गोल्ड बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ओरोफिलिया का मतलब लव या अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट वर्ड है एब्लूटोफिलिया, लव फॉर वॉशिंग और बाथिंग, धोने और नहाने से जिसको प्यार हो उसको बोलते हैं एब्लूटोफिलिया, है ना, याद कैसे रखना है, इसमें एक साउंड आ रहा है ब्लू टो, है ना, क्या साउंड आ रहा है ब्लू टो, एक को हटा दें, यहां पर एक साउंड आ रहा है ब्लू टो, ब्लू टो, अब ब्लू क्या होता है नीला पानी होता है, और टो है ना, टो मतलब ऊंचाई से अगर मान लो पानी में कूदोगे तो मजा आएगा आएगा नहीं आएगा, तो आपने देखा होगा कि लोग क्या है ऊंचाई से पानी में कूदते हैं नहाते हैं, इस टाइप से आपने लोगों को देखा है ना, तो इस टाइप से हम इसको ब्लू टोप को ब्लू से पानी लगा लेंगे, टोप से हम ऊंचाई को लगा लेंगे,
तो ब्लू मतलब नीले पानी में ऊंचाई से कूद कर नहाना, इस टाइप से इसको हम लगाएंगे, ब्लू टॉप मतलब पानी में नहाना, और वॉशिंग मतलब कपड़े भी धोना, हम नहाओगे तो कपड़े तो धोना ही पड़ेगा, है ना, कि नहाते आते हुए कपड़े वहीं फेंक दोगे, ऐसा नहीं है ना। तो नहाना और धोना दोनों पसंद हो, जो नहाने और धोने से प्यार करता हो उसको बोलते हैं एब्लूटोफिलिया। नेक्स्ट वर्ड है एकोस्टिकोफिलिया, लव फॉर नॉइज, जो नॉइज जो शोर पसंद करता है, नॉइज का मतलब क्या होता है, शोर, शोर शराबा, शोर किसी भी चीज का हो सकता है, ऐसा नहीं कि गाने का ही शोर हो, ठीक है, तो वो गाने की बात अलग हो गई, लेकिन यहाँ पर किसका शोर हो रहा है, कोई सी भी चीज हो सकती है वो, एकोस्टिकोफिलिया, एकोस्टिकोफिलिया। अब देखो इसमें एकोस्टिको आ रहा और फिलिया आप जानते हो लव और अट्रैक्शन, है ना, इसके पास हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है, हमारे दिमाग में कोई ट्रिक नहीं आ रही है, अगर आपके पास कोई ट्रिक हो तो आप कमेंट्स करके टिक जरूर बताएं, एकोस्टिकोफिलिया लव फॉर नॉइज। नेक्स्ट वर्ड है एक्रोफिलिया, एक्रोफिलिया का मतलब होता है लव फॉर हाइट्स, जो हाइट्स को पसंद करता हो, हाई प्लेस ऊंची जगह को पसंद करता हो, उससे प्यार करता हो, उसको बोलते हैं एक्रोफिलिया। अब एक्रो को हमने एक्रोफोबिया में भी पढ़ा है, अगर आपको याद आ रहा हो तो एक्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ हाइट्स, जो ऊंचाई से डरता हो, मतलब जिसको ऊंचाई से डर लगे वो फियर ऑफ हाइट्स कहलाता है, उसको एक्रोफोबिया कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्रोफिलिया है, तो एक्रो तो वही वर्ड है जो हमने फोबिया में पढ़ा था, यहाँ पर फिलिया अलग जुड़ा हुआ है, फिलिया का मतलब लव या अट्रैक्शन होता है। अब इसका साउंड देखो, ए सी आर, इसका साउंड एकड़ से आ रहा, एकड़ है ना, याद आ रहा हो आपको, एकड़ मतलब जमीन को एकड़ में नापा जाता है ना, जब जमीन को एकड़ में नापते तो रस्सी का उपयोग करते हैं, या हो सकता है कोई किसी चेन का उपयोग किया जाए, है ना, और उसी चेन को अगर मतलब ऊंचाई से नीचे लटका दिया जाए तो हाइट बन जाती है ना, तो जिसको हाइट पसंद हो, जिसको ऊंची जगह पसंद हो, वो कहलाता है एक्रोफिलिया, लव फॉर हाइट्स और हाई प्लेस। नेक्स्ट वर्ड है अगोराफिलिया, अगोराफिलिया का मतलब लव फॉर ओपन पब्लिक प्लेस, ओपन मतलब होता है खुली, पब्लिक प्लेस मतलब होता है सार्वजनिक स्थान, कोई खुला या कोई सार्वजनिक स्थान है ना, तो उसको बोलते हैं अगोराफिलिया, अगोरा और फिलिया, है ना, तो आपने देखा होगा इसी वर्ड को अगोराफोबिया में भी हमने पढ़ा था, है ना, अगोराफोबिया मतलब फियर ऑफ ओपन पब्लिक प्लेस, जो ओपन पब्लिक प्लेस है अगर उससे अगर व्यक्ति डरे तो वो होता है अगोराफोबिया, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है अगोराफिलिया। देखिए वर्ड वही के वही घूम घूम कर आ रहे हैं, है ना, अगर मान लो हमने फोबिया वाले वर्ड कंप्लीट किए हैं तो हमारे सारे के सारे फिलिया और फिल वाले वर्ड भी कंप्लीट हो रहे हैं, हमारे मेनिया वाले वर्ड भी कंप्लीट हो रहे हैं, हमारे साइड वाले वर्ड भी कंप्लीट हो रहे हैं, तो अगर थोड़ी सी आप मेहनत कर लीजिए, है ना, मतलब 50 या 100 वर्ड आप कंप्लीट कर लीजिए, चाहे आप फोबिया के, चाहे आप फिलिया के, चाहे आप मेनिया के करो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो किसी ना किसी रूट वर्ड से आपस में कनेक्ट है, है ना, जुड़े हुए हैं, और सारे के सारे वर्ड आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस टाइप से हम वर्ड को याद रख सकते हैं अगोराफिलिया। देखिए यहाँ पर अगोरा, इसको अगर हम पढ़े तो आगरा पढ़ सकते हैं, आगरा, ए जी आर ओ, आगरा, आगरा जैसे साउंड दे रहा है इसको, है ना, ए जी ओ को छोड़ दे, आर ए आगरा जाए। अब देखिए आगरा कहाँ है, आगरा में ताजमहल है, ताजमहल के सामने एक चबूतरा बना है जो कि ओपन प्लेस है, ओपन पब्लिक प्लेस है, सभी लोग वहां पर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, है ना, तो कुछ लोगों को तो वो बहुत चीज, कुछ लोगों को वहां बहुत पसंद आती है वो जगह, और किसी कोई कोई उस जगह से डर जाते हैं, जो डरने वाले होते हैं वो हो जाता है अगोराफोबिया, और जिसको उसे अच्छा लगता है ना, वो कहलाता है अगोराफिलिया, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है एकोमोफिलिया, एकोमोफिलिया का मतलब होता है लव फॉर शार्पनेस और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, है ना, एकोमो, एकोमोफिलिया क्या कहलाता है, लव फॉर शार्पनेस, जो शार्पनेस पसंद करता हो, शार्पनेस मतलब होता है नुकीली चीज, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे सुई है ना, नुकीली है, अब जिसको नुकीली चीजों से डर लगे वो कहलाता है एकोमोफोबिया, यहां पर फिलिया के स्थान पर फोबिया लिखा मिलेगा, और जो नुकीली चीजों को पसंद करता हो, उन चीजों से प्यार हो, वो कहलाता है एकोमोफिलिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे 29 से लगाकर 40 वर्ड कंप्लीट हो गए हैं, जिनको हमने न्यूमोनिक एक्सरसाइज से कंप्लीट किए हैं। अब देखिए मैंने ये सभी वर्ड की जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पर साफ कर दिया है, अब हम देखते हैं कि हमें कितना कुछ याद हुआ है ना, तो
सबसे पहला वर्ड है अमेक्सोफिलिया। अमेक्सोफिलिया का मतलब होता है मेक्सिको का साउंड आ रहा है, मेक्सिको जाने के लिए अगर मान लो आपको कार का इस्तेमाल करना पड़े तो आप उसको बहुत ज्यादा पसंद करोगे कार चलाने के लिए, है ना। तो अमेक्सोफिलिया का मतलब होता है लव कार राइडिंग, कार और वेगन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बुलोफिलिया। एम्बुलो का मतलब होता है लव फॉर वॉकिंग। लव फॉर वॉकिंग मतलब जिसको चलने में, जिसको चलने से प्यार हो उसको बोलते हैं एम्बुलोफिलिया। अब एम्बुलो का साउंड हमने एम्बुलेंस से लगाया था और एम्बुलेंस तक जाने के लिए व्यक्ति को क्या है लव है, मतलब उससे काफी प्रेम है क्योंकि उसको एम्बुलेंस से जाने के लिए कहा जा रहा है, एम्बुलेंस तक जाने के लिए क्योंकि वहां पर उसका हॉस्पिटल में इलाज होने वाला है, तो वो उस चीज को काफी पसंद कर रहा है। इस तरह से याद रखा। एंड्रोफिलिया का मतलब होता है जो आदमी से प्यार करता हो, लव फॉर मैन। तो एंड्रो का साउंड हमने आदमी से लगाया था, जब भी एंड्रो आए तो आदमी की बात होती है, तो लव फॉर मैन। नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोफिलिया। एंथ्रोपोफिलिया, एंथ्रो का हमने बताया था कि लोगों के बारे में बात होती है, प्यूपल के बारे में बात होती है, जब भी किसी वर्ड में एंथ्रो लगा हुआ मिले तो लोग की बात होती है, तो लव फॉर प्यूपल, जिस जो लोगों से प्यार करता हो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोफिलिया। अर्चनोफिलिया, अर्चनों का हमने लगाया था अर्चना से, अर्चना नाम की एक लड़की है जो स्पाइडर से प्यार करती है, है ना। नेक्स्ट वर्ड है ऑडियोफिलिया। ऑडियो का साउंड हमने बताया था कि ऑडियो की जहां पर बात होती है वहां पर सुनने की बात होती है। ऑडियोफिलिया मतलब लोड साउंड पसंद करता है ना, तेज आवाज पसंद करता है, उसको बोलते हैं ऑडियोफिलिया। नेक्स्ट वर्ड है ओरोफिलिया। ओरो से हमने गोल्ड का के बारे में बात की थी, लव फॉर गोल्ड, जो गोल्ड पसंद करता है उसको बोलते हैं ओरोफिलिया। तो ओरो को देखा हुआ आपने, गोल्ड को ज्यादा पसंद करते हैं, इस तरह से हमने इसको सीखा था। एम्ब्रोटोफिलिया, एम्ब्रोटो का हमने बताया था ब्लू और टोप, तो ब्लू क्या होता है पानी होता है, टोप मतलब शिखर होता है, तो लोग क्या करते हैं टोप से पानी में नहाना काफी पसंद करते हैं, नहाना धोना, तो लव फॉर वॉशिंग और बाथिंग उसको बोलते हैं एम्ब्रोटोफिलिया। नेक्स्ट वर्ड है एकोस्टिकोफिलिया। एकोस्टिको का हमने कोई ट्रिक नहीं बताई थी, ठीक, अगर आपके पास होता बताइए क्या होता है एकोस्टिको। लव फॉर नॉइज, जो शोर बहुत पसंद करता है उसको बोलते हैं एकोस्टिकोफिलिया। एक्रोफिलिया, एक्रो का हमने बताया था एकड़ से, है ना, और एकड़ को चेन या रस्सी से नापा जाता है, जमीन को रस्सी या रस्सी से चेन से नापते हैं, और उसी चेन को अगर मान लो लटका दो तो ऊंचाई बंद हाइट हो जाती है, और जिसको हाइट से लव हो, हाई प्लेस से लव हो, उसको बोलते हैं एक्रोफिलिया। अगोराफिलिया, अगोरा का मतलब होता है लव फॉर ओपन पब्लिक प्लेसेस, जो ओपन पब्लिक प्लेस होती है अगर उससे अगर मान लो आपको लव होता है तो कहलाता है अगोराफिलिया। एकोमोफिलिया, एकोमोफिलिया का मतलब क्या होता है लव फॉर शार्पनेस, है ना, लव फॉर शार्पनेस, और या फिर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जो होती है, जो नुकीली चीजें होती है उनसे लव होना एकोमोफिलिया कहलाता है। वर्ड हमने ट्रिक से कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 41 से लगाकर 50 तक सारे के सारे वर्ड न्यूमोनिक्स की सहायता से कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक।